Assalamu alaikum, welcome again. I'm here with the lecture on strategic e-marketing. This is the third lecture of this course. Pichle lecture mein humne baat ki thi Pakistan ke internet landscape ke hawale se aur humne uske andar kuch examples ko bhi discuss kiya aur maine aapko ek discussion ke upar deliberate karne ko bhi kaha hai. So I hope ki aap logon ne discussion ki preparation start kar di hogi. You might have started the discussion already. हमने कल के लेक्चर के अंदर अमेज़ॉन के बारे में भी डिस्कशन की थी. सो हम थोड़ा सा उस एग्जांपल को लेके ही आगे चलेंगे विद स्ट्रेटेजिक ई मार्केटिंग. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर लेक्चर टुडे इंक्लूड द फॉलोइंग. वी विल एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक ई प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक ई बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ई मार्केटिंग स्ट्रेटजी एज वेल. We will identify the main e-business models and then we will discuss some of the performance metrics as well. So ke hum apni strategies ki performance measurement karne mein help karte hain. Amazon ki story mein jaise humne kal discussions ki thi, you might have visited the website yourself. If not, go on to the website www.amazon.com and have a look at the different facilities they're providing to a customer. Customer services based unka business model hai, customer centric unka business model hai, aur unhone wahan par apne paas mukhtalif tarah ki competencies rakhi hui hai jinko leverage kiya hua hai. Unhone apni e-commerce partnerships rakhi hui hai with other businesses, other sellers. Unhone affiliate programs ko introduce kiya tha jo ki bahut successful advertising strategy introduce hui thi इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के हवाले से. बहुत और ऑर्गेनाइजेशंस भी अब उसको फॉलो कर रही हैं और इसके अलावा उन्होंने डेवलपर सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी हुई हैं. अगर हम अमेज़न की स्टोरी को देखते हुए कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज का अंदाजा लगाएं तो यू माइट हैव नोटिस्ड कि ये सब कुछ बगैर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के पॉसिबल नहीं था. उनके ओनर्स, उनकी टॉप मैनेजमेंट ने बैठ के कुछ अपने लिए प्लान्स बनाए होंगे, कुछ स्ट्रेटजीज बनाई होंगी जिसको लेकर वो चले हैं. अब साथ साथ मेजर करते रहे अपनी परफॉर्मेंस और अपनी की सक्सेस स्टोरी बहुत मशहूर है वर्ल्ड वाइड. हमने कल ये भी जिक्र किया था कि 2001 के टाइम के ऊपर या 2000 ऑनवर्ड्स जो उनका इनिशियल टाइम था उसमें वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन 2009 में जाके उनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए. सो दैट मीन्स दैट दे कंटिन्यूसली प्लान्ड एंड वर्कड ऑन देयर स्ट्रेटजीज, ऑन देयर बिजनेस मॉडल्स, और तभी जाके उनका सक्सेस रेट इतना इंक्रीज हुआ है. ऑन टॉप ऑफ अमेज़न देर आर अदर एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमें नजर आती है कि स्ट्रैटेजी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट की गई है. आई एम श्योर आप लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स अपने बीबीए के कोर्सेज में या अपने किसी और कोर्स में एमबीए में चैप्टर्स की फॉर्म में पढ़ा होगा एंड यू नो व्हाट स्ट्रैटेजीज आर. बट इफ नॉट, हम आगे जाके थोड़ी सी उसकी रिविजन डेफिनेशंस देख लेंगे. गूगल को अगर हम देखते हैं, गूगल की एग्जाम्पल भी हम बार बार कोट कर रहे हैं कि जी गूगल भी एक सक्सेसफुल बिजनेस है और स्टार्टअप ऐसा था जो कि ऑनलाइन ही हुआ और वर्ल्ड वाइड जो है उसकी सक्सेस को कोट किया जा रहा है. इट इज़ द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, जिसमें कोई अगर ग्रेजुएट्स को पूछा जाए वर्ल्ड वाइड तो वो दे वांट टू वर्क फॉर गूगल, उनका फर्स्ट आंसर गूगल होता है. सो उनका मिशन अगर देखा जाए तो गूगल का मिशन था कि वो they wanted to organize the world's information and make it universally accessible and useful. So unhone is mission ko lekar phir aage apne plans banaye hain aur unko execute kiya hai. We have also एक कोटेशन दी जाती है जो डेविड नोटन एंड रॉबर्ट कैपलन की तरफ से एक रिसर्च स्टडी थी हार्वर्ड में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में. दैट दे सेड दैट व्हाट यू मेजर इज व्हाट यू गेट, द परफॉर्मेंस मेजर्स यू यूज अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ योर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज. विच मीन्स अगेन कि हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटजीज का बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप को या किसी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कराने के लिए. उससे पहले उसकी प्लानिंग को करना ज़रूरी है, स्ट्रेटजीज को बनाना ज़रूरी है और उसमें टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Let's have a look at the definition of strategic planning. Strategic planning is a managerial process to develop and maintain a viable fit between the organization and its changing market opportunities.
क्या मतलब हुआ कि आप ढूंढ रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के हिसाब से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को डेवलप कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं. यू लुकिंग फॉर अ फिट. जैसे कई कई जगहों पे हम स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करते हैं एंड वी टॉक अबाउट फाइंडिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट एज वेल. सो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है. And the strategies involve anything from the course we chart, the journey we imagine, and at the same time the course we steer and the actual journey that we take. So hum jitna kaam kar rahe hote hain kisi bhi ek end tak pahunchne ke liye, jitna goal ko achieve karne ke liye jo cheeze plan ki ja rahi hain, wo strategic management ka hissa hoti hai. Aur top management jo hai uski involvement bahut zyada zaruri hoti hai. Okay, so strategic planning ka jo process hai, it identifies the goals for firm's growth. For example, growth se kya matlab hai ki company kaise expect karti hai apne increase karna revenues ko, unke product life cycles kaise manage honge, increase honge, unke market factors aur kaun kaun se hain, unki growth kaise ki, organizational growth kaise possible ho sakti hai. Then strategic planning ka hi hissa hota hai where we look at competitive position of a firm. Competitive position in the firm in terms of marketing kya hogi, let's say do you want to be a market leader jaise Google hai, or a price leader priceline.com jisme low price low cost products jo hain wo search karke offer kiye jaate hain, or do you want to be a quality leader for companies like Mercedes for example, jahan par the products are more focused to on quality. Then hamare paas aur kya tarika ekar ho sakta hai growth ko measure karne ka, kisi ke hamare jo competitors hain, competitive position ko dekhte hue aap apne liye koi competitive position ki base ke upar product focused strategies bhi bana sakte hain. ठीक हो गया. सो कंपेटिटिव पोजीशन इज द सेकंड फैक्टर जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है. देन द ज्योग्राफिक स्कोप, आप किस मार्केट को सर्व करना चाहते हैं, वेदर इट इज लोकल, वेदर इट इज नेशनल लेवल, वेदर इट इज इंटरनेशनल, ज्योग्राफिक स्कोप क्या होगा वो भी आपका गोल का हिस्सा होता है. और इसके अलावा और भी तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं आपके पास, सच एज इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स किस तरह के होने चाहिए, प्रोडक्ट रेंज बढ़ानी है, प्रोडक्ट रेंज कंडेंस करनी है, स्क्वीज करना है, किसी और इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन करना है. ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा होती हैं. एक फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है एनवायरमेंट स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क कि कैसे हमारी स्ट्रेटजी है वो ट्रांसलेट करती है हमारी ई बिजनेस स्ट्रेटजी को, और ई बिजनेस स्ट्रेटजी में कैसे हमारा ई मार्केटिंग का हिस्सा होता है जो कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज को अचीव करने में. सो योर ई मार्केटिंग प्लान फ्लोज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल गोल्स हैं. फॉर एग्जांपल कीपिंग इन माइंड अमेज़न के ओवरऑल गोल्स हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर फोकस, कस्टमर सर्विसेज. अब कस्टमर सर्विसेज के लिए जाहिर है जो वो काम कर रहे हैं वो इंटरनेट बेस्ड या टेक्नोलॉजिकल बेस्ड काम है कस्टमर्स तक रसाई का, कस्टमर्स तक पहुंचने का. सो वहां पर भी ई मार्केटिंग का रोल बहुत ज्यादा नजर आता है और ई मार्केटिंग प्लानिंग जो है वो वहां पर ज्यादा एम्फोसाइज्ड है. सो जो हमारा एनवायरमेंट स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क है, इट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप्स अमंग एनवायरमेंट स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस. और इसमें हम स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करते हैं. स्वॉट एनालिसिस जो है वो हेल्प करता है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज एंड द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. हमारे पास जो है स्वॉट एनालिसिस जो है वो बिजनेस एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जो कि फिर आगे लीड करता है स्ट्रेटजी मेकिंग के अंदर, और फिर इवेंचुअली वी मेजर आवर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन दैट. सो दिस इज द ईएसपी फ्रेमवर्क राइट देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स. ईएसपी फ्रेमवर्क में हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर इज द फर्स्ट वन. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम लीगल,
एथिकल टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन बेस्ड और अदर फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको देखते हैं कि जी इंटरनेट और टेक्नोलॉजीज की वजह से मार्केट्स और मार्केट इन्वायरमेंट्स कैसी हैं, फिर हम उस बेस के ऊपर इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं और अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं. आई एम श्योर यू आर ऑल अवेयर ऑफ व्हाट स्वॉट एनालिसिस इज. बहुत सारे कोर्सेज में आपने स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट भी किया होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का. सो स्वॉट एनालिसिस में इट्स एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, W for weaknesses, O for opportunities, and T for threats. Your strengths and weaknesses help you understand your position, जो deploy करने में help करती हैं opportunities और threats को. इस सब को हम देखते हुए फिर हम framework के S part पे चले जाते हैं, जो कि strategy making का part है. And where we make this e-business strategy, और e-business strategy में हमारे पास contributing फैक्टर्स या हमारे पास ई मार्केटिंग प्लान आ जाता है, जो ट्रांसलेट होता है ई मार्केटिंग स्ट्रेटजी में और ई मार्केटिंग मिक्स में, वेयर वी टॉक अबाउट सीआरएम एंड थिंग्स लाइक दैट. और फिर ये चीजें आगे हमें लेके जाती हैं अपनी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स की तरफ. हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी परफॉर्मेंस को, यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, एनालिटिक्स. उनकी डिटेल्स में हम आगे चल के जाएंगे. सो दिस इज हाउ बेसिकली आवर ई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैन कम इन टू बीइंग, फॉर्म हो सकती हैं हमारे यहाँ पर. इस फ्रेमवर्क को यूटिलाइज किया जा सकता है और ये फ्रेमवर्क विद टाइम इवॉल्व हुआ है. मुख्तलिफ लोगों ने इसको मुख्तलिफ एरियाज को स्टडी करके थॉट के जी ई मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज अ ट्रांसलेशन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, और इस तरह से वो इवॉल्व होती है. Strategy is basically the means to an end. It's basically the means to achieve a goal. और e-business strategy contribute करती है organizational strategy को या enterprise level strategy को. It is the strategy that deploys enterprise resources to reach performance objectives and competitive advantages. इन enterprise resources वो वाले जो कि technology based हैं. And then your e-marketing strategy would be the strategy that capitalizes on information technology to reach the marketing objectives. Obviously your marketing mix would stay the same, your marketing objectives would be let's say you want to or maybe you can think of enterprise level strategy first. If your enterprise level strategy says that the organizational performance needs to increase by 10% in the next year, so then the marketing people would be thinking about maybe introducing new products or expanding into new markets to achieve that goal, which was organizational goal. Ab us goal ko jo marketing department bana raha hai अपने कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, वहां पे उनको अपने डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत पड़ सकती है. और अगर वो वहां पर कह देते हैं कि जी ओके वी आर गोइंग टू रीच आउट टू आर कस्टमर्स और एक्सपैंड टू न्यू मार्केट, एंड फॉर दैट वी वुड बी यूजिंग सोशल मीडिया और वी वुड बी यूजिंग अ वेबसाइट और वी वुड बी कॉन्टैक्टिंग दोज कस्टमर्स थ्रू मोबाइल नेटवर्क, तो फिर ये सारा काम जो है वो उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ई मार्केटिंग कंपोनेंट का है, ई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का है. स्ट्रैटेजी की इम्पोर्टेंस समझने के अलावा एक और चीज है और एक और पीस ऑफ पजल है जिसको रिजॉल्व करने की या सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो है टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस मॉडल्स. बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल इज बेसिकली अ वे ऑफ रनिंग अ बिजनेस. किस तरीके से आप अपने बिजनेस को रन करके अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. एंड विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट एंड विद द एडवेंट ऑफ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस मॉडल्स भी चेंज होना शुरू हो गए. द वे दे वर जनरेटिंग रेवेन्यूज, द वे दे वर एडवर्टाइजिंग, दैट स्टार्टेड चेंजिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस मॉडल्स इवॉल्व होने लग गए. और दे वर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने ही बिजनेस मॉडल्स को खुद से डिफाइन किया, और वो डिफाइंड बिजनेस मॉडल जो है वो एक स्टैंडर्ड के तौर पे बाकी लोग यूज करना शुरू हो गए. सो व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल? अ बिजनेस मॉडल इज अ मेथड फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड अ वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर पार्टनर्स, कस्टमर्स एंड रेवेन्यू. जस्ट लाइक किसी भी फिजिकल चीज को अगर कोई डिजाइन कर रहा हो, लेट्स से घर अगर डिजाइन कर रहे हैं या एयरक्राफ्ट डिजाइन हो रहा है, व्हाट दे डू इज रादर देन गोइंग इनटू द एक्चुअल वर्क, उसका एक स्मॉलर वर्जन बनाते हैं और उसको देखते हैं उसकी फंक्शनैलिटी कैसे होगी. इसी चीज को अगर बिजनेसेस की टर्म्स में देखा जाए,
ऑब्वियसली बिजनेसेस को इस तरह से देखें तो इंटेंजिबल है, लेकिन हम इस इंटेंजिबिलिटी को भी समझने के लिए एक एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक मॉडल की फॉर्म देते हैं कि जी दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट रेवेन्यूज और सर्वाइव इन द लॉन्ग रन. बिजनेस मॉडल्स को अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर लें और इंक्लूड कर लें यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू अचीव द लॉन्गर रन गोल्स, देन दोज बिजनेस मॉडल्स आर नोन एज ई बिजनेस मॉडल्स. ऑल दोज बिजनेस मॉडल्स विच हैव द टेक्नोलॉजिकल कॉम्पोनेंट इन देम, दे आर ऑल ई बिजनेस मॉडल्स. एंड फर्म्स सेलेक्ट वन और मोर मॉडल्स एज स्ट्रैटेजीज टू accomplish enterprise goals, which means कि आपके पास जरूरी नहीं है कि आपकी organization सिर्फ एक ही business model को follow कर रही है. आपका एक basic way of earning revenues हो सकता है, basic business model हो सकता है, core business model हो सकता है, और इसके अलावा आप दूसरे और भी business models को use कर सकते हैं to generate revenues. For example, आपका core business for online sales है या shopping है, shopping portal या shopping कार्ट ऑफर करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप एडवर्टाइजमेंट्स भी अपनी वेबसाइट से रन कराते हैं. सो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स बेस्ड बिजनेस मॉडल्स वुड बी पार्ट ऑफ योर बिजनेस स्ट्रैटेजी और ई बिजनेस स्ट्रैटेजी. देर आर सर्टन फैक्टर्स दैट हैव इवॉल्व्ड विद टाइम, टाइम टेस्टेड फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस मॉडल्स को समझने में और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं. सो जब आप बिजनेस मॉडल सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, दे इंक्लूड कस्टमर वैल्यू, दे इंक्लूड प्राइस, कनेक्टेड एक्टिविटीज, कैपेबिलिटीज, स्कोप, रेवेन्यू सोर्सेज, इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. ये सारी चीजें समझ कर आप लोग अपना बिजनेस मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी कैसे किस चीज की कस्टमर वैल्यू जनरेट होगी. कस्टमर वैल्यू इज बेसिकली द परसेप्शंस योर कस्टमर्स हैव अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ कैन दैट बी क्रिएटेड. प्राइस इज अनदर फैक्टर, वट वुड बी द आइडियल प्राइस जो ऑफर की जा सकती है. कौन कौन सी एक्टिविटीज कनेक्टेड हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से इफ यू आर सेइंग कि जी यू आर अडॉप्टिंग अ सीआरएम स्ट्रेटजी और यू वुड हैव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देन यू वुड नीड टू कनेक्ट योर डेटाबेसेस विद अदर पार्ट्स ऑफ ऑपरेशंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर आपकी जो है वो कनेक्टेड एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, कैपेबिलिटीज आपके पास कौन कौन सी हैं, अब कितना स्कोप है आपके बिजनेस का और इस बिजनेस मॉडल को रन करने का, कहाँ कहाँ पे किस एरिया के अंदर ऑफर कर सकते हैं आप अपनी सर्विस को, लेट्स से एग्जांपल रेवेन्यू सोर्सेज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं ताकि आप सस्टेनेबली बिजनेस को रन कर सकें. इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी एंड देन सिस्टम, हाउ लॉन्ग वुड दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल लास्ट. फॉर एग्जांपल इफ इट इज अमेजोन, तो अमेजोन तो चाह ही रहा है कि यूजिंग टेक्नोलॉजी वो हमेशा ही अपना काम करता रहे, सस्टेनेबल रहे, और वो फिजिकल मीडियम के अंदर काम करना ही नहीं चाह रहा है. अब बिजनेस मॉडल्स को अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसके बाद वी एक्चुअली कम इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ ई बिजनेस. लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ ई बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक पिरामिड बनाई गई है और ये पिरामिड एक्सप्लेन करती है हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दे आर ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक इन नेचर, और वो एक्टिविटीज में कहाँ कहाँ पर काम होता है टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट का. सो इफ यू लुक एट द एक्टिविटी पार्ट, दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिरामिड, वहां पर उसका जो बिजनेस पे इम्पैक्ट है दैट इज ऑन एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करती है एक्टिविटी, और आपके पास एफिशिएंसी जब ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली कॉस्ट रिडक्शन होगी. एंड यहाँ पे वो वाले काम हो रहे हैं जैसे कि आप ईमेल्स करते हैं, ब्लॉग्स रन करते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं ये काम, ऑपरेशनल लेवल काम होते हैं, और इनसे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है जिससे आपकी कॉस्ट रिडक्शन होना शुरू हो जाती है. आपने एक मैसेज जो पहले टेलीफोन से कन्वे करते हैं, टेलीसेल्स पे करते हैं, स्टाफ को बिठाते हैं, वो आप में भी अभी एक ईमेल से ही अपने सारे कस्टमर्स को ईमेल्स कर सकते हैं विद अ न्यू प्रमोशन. इसी तरह से सेकेंड लेवल आ जाता है विच इज नोन एज बिजनेस प्रोसेसेस. जितने आपके इंटीग्रेटेड बिजनेसेस फंक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी, ई बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यानी आपकी कमिटमेंट टू हैव टेक्नोलॉजी इन दीज पार्ट्स, दैट इज द सेकेंड स्टेज, सेकेंड लेवल, जहां से आपकी इफेक्टिवनेस इम्प्रूव हो सकती है, विच मीन्स कि आपकी जितनी एक्टिविटीज हैं या जितनी कोशिशें हैं
वो कोशिशें आपके बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही हैं, और वो बिजनेस इम्प्रूव प्रोसेसेस जब इम्प्रूव हो रहे हैं तो फिर आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपके साथ रुकना चाह रहे हैं, आपके साथ रह कर ही अपनी सेल्स अपनी परचेजेस करते हैं या आपकी सेल्स लेते हैं. सो दैट इज़ योर कस्टमर रिटेंशन फोकस. इफेक्टिवनेस आपकी बेहतर हो जाती है, कस्टमर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल है. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज बेसिकली आपके कस्टमर्स आपके पास रिटेन रहें, आपसे खुश रहें, क्योंकि उनके पास मुख्तलिफ तरह के अब कॉन्टैक्ट पॉइंट्स या टच पॉइंट्स अवेलेबल हैं. वो आपको मुख्तलिफ तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं, आपके साथ एंगेज रह सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास अपडेटेड रहती है. सो आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो जाता है और इससे इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है. These were the first two levels, जो कि mostly functional level, operational level activities हैं. Top of the pyramid are a little more strategic oriented activities. उसमें आपके पास enterprise level हैं और pure plays हैं. Enterprise level जो activities हैं they include both online and offline media. यानी online और offline media के अंदर जो जो retailers present हैं, जिनकी online presence भी है offline presence भी है, वो फिर use करते हैं enterprise resource planning software ERP software, और वहाँ से वो connected रह रहे होते हैं कि जो information हमारी एक end के ऊपर update हो रही है वो दूसरे end पे भी update हो, ताकि आपके management को या organization को एक ही तरह के consistent data views मिले या data की information मिलती रहे. सो ये जो ये वाला कंपोनेंट है, जो एंटरप्राइज कंपोनेंट है, ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन या बिजनेस की स्ट्रेटजी के लेवल के ऊपर काम करता है. स्ट्रेटजिक फोकस इसका ज्यादा हो सकता है. एंड यू ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड के एंटरप्राइज लेवल जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बने जो कि कस्टमर्स तक पहुंच रही है. टेक्नोलॉजी और भी तरीके से यूज की जा सकती है और उसकी और भी एग्जांपल्स नजर आती हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कैश एंड कैरी है, और कैश एंड कैरी के ऊपर आप कस्टमर्स जब परचेसेस करते हैं तो ऑब्वियसली वो बारकोड से प्रोडक्ट्स को स्कैन करते हैं और डेटाबेस में अपडेट्स होती चली जा रही हैं कि कितने कस्टमर्स ने, तो वो इंफॉर्मेशन भी जो शॉपिंग कार्ट्स यानी शॉपिंग बास्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है वो एंटरप्राइज प्लानिंग सॉफ्टवेयर, कि एक पर्टिकुलर कस्टमर ने एक वक्त में कौन कौन सी चीजें खरीदी हैं, एंड देयर वर 100 डिफरेंट कस्टमर्स लेट्स से फॉर अ कंपनी, उन 100 डिफरेंट कस्टमर्स ने बहुत सारी और चीजें खरीदी होंगी, तो उसमें भी फिर वो तरह तरह के ट्रेंड्स देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत पॉपुलर थे, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट खरीदा तो साथ दूसरा प्रोडक्ट भी जरूर खरीदा, और ये चीजें फिर हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी नेक्स्ट प्रमोशनल एक्टिविटी या मार्केटिंग प्लान के लिए. ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प आउट कर सकती है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इंटरनेट का होना जरूरी है. इंटरनेट के अलावा भी जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो डेटाबेसेस हैं, जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, वो भी आपको हेल्प आउट कर सकता है आपके ई मार्केटिंग प्लान्स को बनाने में या आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर. एंड द टॉप ऑफ द पिरामिड लाइज प्योर प्ले ऑर्गेनाइजेशंस. प्योर प्ले ऑर्गेनाइजेशंस हम अमेजोन की एग्जाम्पल का लास्ट लेक्चर से डिस्कस कर ही रहे हैं, गूगल की एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए हैं. प्योर डॉट कॉम बिजनेसेस जिनकी कंप्लीट रनिंग ही यूजिंग टेक्नोलॉजी हो रही है और वो उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. सो इन्होंने पूरे की पूरी इंडस्ट्री के डायनामिक्स को ही चेंज कर दिया होता है. ऑल्दो दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट अमेज़न फेस्ड इनिशियली एज वेल, के लोग बुक स्टोर्स में जाकर बुक को ले पढ़ कर देख कर परचेज करना ज्यादा पसंद करते थे, और ट्रेंड्स भी डिफरेंट थे उस टाइम के ऊपर, तो अमेज़न इनिशियली इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट दे केप्ट वर्किंग ऑन देयर बिजनेस मॉडल एंड दे चेंज्ड एंड बिकेम अ मार्केट लीडर जो बुक्स को परचेज करने के कस्टमर्स के अंदर पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गई. सो द प्योर प्ले ऑर्गेनाइजेशंस डू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस कि ऑफलाइन मीडिया से कैसे लोगों को ऑनलाइन मीडिया की तरफ लेकर आना है. So that is the level of commitment needed for this type of pure play organizations is a lot higher. बहुत ज़्यादा commitment चाहिए, और इसकी वजह से जो business के ऊपर impact है, business की performance की impact है, वो भी increase होता चला जाता है. So if you look at this pyramid and if you look at the level of business impact, ये arrow से जो display में दिखाया जा रहा है,
यू कैन सी कि जो लोअर लेवल एक्टिविटीज हैं या पिरामिड के अंदर जो इनिशियल बेसिक एक्टिविटीज हैं वो बिजनेस को कम इम्पैक्ट करती है, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूसेज और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इंक्रीज होती चली जा रही है, आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनती जाती है, टॉप लेवल की कमिटमेंट होना शुरू हो जाती है, एंटरप्राइज वाइड स्ट्रैटेजीज बनती हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो फिर आपके पास बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसका वो भी इंक्रीज हो सकता है. देर वुड बी टाइम्स, इट्स नॉट ऑलवेज कि हमेशा सक्सेसफुल होगा, देर वुड बी टाइम्स जहां पे अनसक्सेसफुल भी हो सकता है लेवल ऑफ बिजनेस इम्पैक्ट, और उसका रीजन ये होगा कि लेवल ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स ई बिजनेस वुड बी लेस. मीनिंग यू माइट हैव थॉट ऑफ अ स्ट्रैटेजी, जिसमें आप कहेंगे कि जी हमने एंटरप्राइज वाइड स्ट्रैटेजी बना ली है जो कि आईटी बेस्ड है या टेक्नोलॉजी बेस्ड है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के साथ काम करने वालों को उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया है, या कोई और इस किस्म के इश्यूज हो गए हैं जिन्होंने अफेक्ट किया है इन अ नेगेटिव वे. सो लेवल ऑफ कमिटमेंट इज नेसेसरी, एंड दैट इज वाई इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्नोलॉजी का रोल और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. कमिटमेंट टॉप लेवल से होगी तभी आपकी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो सक्सेसफुल हो सकती हैं. एंड देयर वुड बी टाइम्स जिसमें एक तो आपके पास एंटरप्राइज लेवल स्ट्रैटेजी है, और फिर मैंने बताया जैसे कि जी हर डिपार्टमेंट हर सेक्शन जो है वो फिर अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एंटरप्राइज लेवल स्ट्रैटेजी या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी भी जिसको कहा जाता है. सो इफ देयर आर 10% increase in sales next year, so the 10% increase in sales next year ke liye aapke marketing department ke paas strategies honi chahiye, aur un strategies ko wo further divide karke apne liye ye bhi soch sakte hain, apna objective ye bhi set kar sakte hain ki okay 30% of the sales that we will increase next year would comprise on online sales and the rest of 70% increase in sales would be based on ऑफलाइन सेल्स. तो फिर आपके टारगेट्स डिफरेंट हो जाएंगे और फिर आपकी प्लानिंग भी डिफरेंट हो जाएगी, और उसमें फिर आपके पास एक फोकस्ड एरिया होगा आगे जाके ई मार्केटिंग प्लान बनाने का. आपके पास जो एक्टिविटी लेवल बिजनेस मॉडल्स हैं जो पिछले पिरामिड में मैंने बताया, उसमें एक्टिविटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ऑनलाइन परचेज, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ईमेल्स, content publishing which means contents on blogs or contents on your own website, business intelligence, looking at competitors information, looking at what media is saying about you, looking at what different customers are talking about you on different social platforms. Then aapke activity levels aur kaun kaun se ho sakte hain, advertising and public relation based activities, online sales promotion activities, pricing and social media communication. Ye sari ki sari aapki base of the pyramid ke upar exist karti hain, jinki taraf commitment honi chahiye aapki organization ki ya aapke marketing department ki activity level e business models mein. The second stage is business process level. Business process level में हम बात करते हैं customer relationship management की, जो मैंने अभी जिक्र भी किया था कि customer relationship management में हम बात करते हैं customers को कैसे retain करना है, customer को कैसे attract करना है, customer को retain करने के बाद उसको कैसे खुश रखना है. आपके पास तरह तरह की examples CRM की related आती हैं. You keep records of your customers and then you send them offers based on those records, their past purchases or their past behavior. Jaise ki airline industry mein frequent flyer programs bade popular hain, aur wo ek example CRM system ki hi hai ki those travelers who fly frequently using a particular airline, वो लोग उनको पॉइंट्स देते चले जाते हैं हर ट्रैवल के ऊपर, और फिर जब उनके कुछ पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिनको एयर माइल्स पॉइंट्स भी कहा जाता है, तो उनके अगेंस्ट एक टिकट में भी वो फ्री परचेज कर सकें या उनको कुछ डिस्काउंट ऑफर हो जाता है. सो ये क्या है, ये एग्जांपल क्या थी, ये एग्जांपल है आपके पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम की. देन यू हैव अदर एग्जांपल्स जिसमें नॉलेज मैनेजमेंट का जिक्र आता है. नॉलेज मैनेजमेंट इज बेसिकली कीपिंग अ डेटा स्टोर ऑफ ऑल डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स विद कस्टमर्स, कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन, जितना कंपनी में काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, वो एक जगह पे डेटा स्टोर के अंदर स्टोर किया जाता है, डेटा वेयर हाउसेज यूज किए जाते हैं, और फिर वहां से लेटर इन
द स्टेजेस इंफॉर्मेशन डिग आउट कर सकते हैं, कस्टमर्स की इनसाइट्स जान जा सकती हैं, उनका कस्टमर बिहेवियर एनालाइज किया जा सकता है. सो नॉलेज मैनेजमेंट करना भी आपका जो है वो बिजनेस प्रोसेस लेवल के ऊपर आ जाता है. देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव और अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. सप्लायर्स के साथ आपका इंटरेक्शन मुख्तलिफ तरहों से हो रहा होता है. सो लेट्स से एक कैश एंड कैरी के ऊपर एक कस्टमर आकर परचेजेस करता है, वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने स्कैन बारकोड स्कैनर से कैश टिल के ऊपर स्कैन कर दिए जाते हैं और उसका बिल बन जाता है, वो कस्टमर चला जाता है. अब ये जो बारकोड स्कैनर जो इन्फॉर्मेशन स्कैन कर रहा है तो वो बैक एंड डेटाबेस के अंदर से उनको जो टोटल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको माइनस करता जाता है, तो रिड्यूस होते चले जाते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो के आपके स्टोर में उस टाइम पे अवेलेबल हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के. सो देर आर एग्जाम्पल्स जिसमें इन कैश एंड कैरीज ने फिर क्या किया है कि जैसे ही अमाउंट किसी एक प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम हो जाता है, लेट्स से देर आर शैम्पूज दैट दे हैव स्टोर्ड और उस शैम्पू की क्वांटिटी 100 से जैसे ही कम होती है स्टोर में, सो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से एक अलर्ट उस सप्लायर के पास चला जाता है कि जी इस पर्टिकुलर स्टोर के अंदर ये अमाउंट कम हो गया है, और वो सप्लायर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे के ऊपर वो डिलीवरी इनके स्टोर पे पहुंचा देता है. सो ये क्या है, ये बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने का तरीका है, आपके ये बिजनेस मॉडल का तरीका है, आपकी सप्लाई चेन मैनेज है वो इंटीग्रेट हो सकती है यूजिंग टेक्नोलॉजी. देन कम्युनिटी बिल्डिंग इज अनदर पार्ट जिसमें आप डिफरेंट तरह के लोगों को अपनी वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट करा लेते हैं, जैसे अमेजोन कर रहा है, लोग आते हैं रिव्यूज लिखते हैं, उनकी एक कम्युनिटी कस्टमर्स की बनती चली जा रही है जो कि बहुत ज्यादा एंगेज्ड हो जाती है और आपके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रही होती है, फीडबैक दे रही होती है. अनदर वे बिजनेस प्रोसेस लेवल के ऊपर अफिलियट प्रोग्राम्स, अफिलियट प्रोग्राम्स का जिक्र भी हमने अमेजोन की एग्जाम्पल के साथ किया था कि आपने मुख्तलिफ और पार्टनर्स के साथ मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप कर ली है और कहा है उनको कि जी आपकी वेबसाइट से कोई मेरी तरफ आएगा तो मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, और अगर आके वो कोई परचेज भी कर लेगा तो मैं आपको और ज्यादा कमीशन दूंगा. सो ये इस तरह के अफिलियट प्रोग्राम्स भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और ये बिजनेस प्रोसेस लेवल जो है आपकी पिरामिड के अंदर एग्जाम्पल है. इसके अलावा हम डेटाबेस मार्केटिंग के मुख्तलिफ तरीके अब मौजूद हैं. पहले हम प्रमोशंस भेजते थे लोगों के घरों में, ब्रोशर्स डिलीवर करा के, टीवी के ऊपर एड्स डाल के या मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में एड डाल के. नाउ इट हैज बिकम अ लॉट मोर इजियर बिकॉज यू हैव डेटाबेसेस ऑफ कस्टमर्स स्टोर्ड विद यू जो कि आपके प्रोडक्ट्स या आपके स्टोर में इंटरेस्टेड होते हैं, और आप उन डेटाबेसेस के ऊपर से डिटेल्स लेके एक टारगेटेड ग्रुप को ही अपने प्रमोशंस भेजते हैं रादर देन स्पेंडिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी ऑन प्रिंट एड्स. वो भी यूजफुल होते हैं बट ये वाले एड्स जो हैं वो आपके ज्यादा टारगेटेड ईमेल्स की फॉर्म में जा सकते हैं या मास कस्टमाइज्ड एड्स भी हो सकते हैं जो कि आपने, या प्रमोशंस हो सकते हैं जो आप पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल को भेज सकते हैं. एंड दैट अगेन इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही हो, हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन भी एक तरीकाकार है जो मास कस्टमाइजेशन या कस्टमाइज्ड एड्स लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर सकती है. और उसकी एग्जाम्पल आई एम श्योर आप सबके आप पास ही है. हमारे मोबाइल्स के ऊपर अक्सर ऑफर्स आती हैं फ्रॉम आवर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ऑफर्स हमें भेज रही हैं वो हमारे ही यूजेज पैटर्न्स के बेस के ऊपर होती हैं कि इफ समबडी हु इज लेट्स से यूजिंग एसएमएसेस अलॉट, एसएमएस पैकेजेस को आपने सब्सक्राइब किया होता है और कुछ लोग एसएमएस ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू कॉल्स, तो उन लोगों को ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो ऑफर्स या प्रमोशंस भेज रही होती हैं वो मोस्टली एसएमएस बेस्ड ऑफर्स होती हैं. देर आर अदर पीपल जो इंटरनेट यूजेज भी कर लेते हैं, सो वो उनको जीपीआरएस रिलेटेड पैकेजेस या प्रमोशंस भेज रही हैं. देर आर सर्टन पीपल हु हैव कॉल्स बेस्ड पैकेजेस मोर इन यूज, तो उन लोगों को फिर वो ज्यादातर कॉल्स के ऑफर्स भेज रहे होते हैं. सो ये क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये मास कस्टमाइजेशन की एग्जाम्पल्स हैं कि वो अपनी डेटाबेसेस के अंदर जो कि उन्होंने स्टोर की हुई अपने सब्सक्राइबर्स की, उनकी एक्टिविटी पैटर्न्स को एनालाइज करती हैं, और एक्टिविटी पैटर्न्स को एनालाइज करते हुए ग्रुप्स अलग कर लेते हैं कस्टमर्स के जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस को यूटिलाइज कर रहे हैं. सो दे हैव ग्रुप्स ऑफ पीपल हु
use SMSs more, they have groups of people who make calls a lot, or they have groups of people who use internet on the phones as well, and then they target those people separately. Unke ads jo hain wo customize banaye jaate hain, wo customize ads un tak deliver karne ke mukhtalif tareeke use kiye ja sakte hain. So ye do mukhtalif tareeke kar hain jo ke business process level e-business models मौजूद हैं जिनमें से कुछ यूटिलाइज हम कर सकते हैं. एंड देन द टॉप ऑफ द पिरामिड वाज एंटरप्राइज लेवल बिजनेस मॉडल्स. एंटरप्राइज लेवल बिजनेस मॉडल्स में सबसे पहले तो आपका ई कॉमर्स आ जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स यूजिंग ऑनलाइन मीडिया और यूजिंग मोबाइल्स. तो आपका बाइंग सेलिंग ट्रांजेक्शन वाला पार्ट जो है अगेन आपकी टॉप लेवल कमिटमेंट और एंटरप्राइज लेवल स्ट्रैटेजी में आ जाता है. देन यू हैव योर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये हुआ कि आपने बहुत ज्यादा इंटरमीडियरीज जो आपकी सप्लाई चेन का हिस्सा होती हैं या वैल्यू चेन का हिस्सा होती हैं उनको खत्म कर दिया और आपने वही डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अपने खुद अपने एंड से करनी शुरू कर दी. एंड दिस इज अनदर वे विद वेयर कंपनीज हैड स्टार्टेड मेकिंग profits ke rather than they rely on wholesalers and distributors unhone apne paas se apni website bana ke direct sales or direct distribution bhi shuru kar di. So wo profit ka chunk jo ke wholesalers ya distributors ko bhi jata tha wo ab unke apne paas aa raha hai. So is cheez ko kehte hain disintermediation aur re-intermediation. With the use of technology, this intermediation has been possible, which means ki jitni physical entities maujood thi aapke products ko pahunchane mein customers ke paas, unko khatam kar diya gaya aur phir aapke paas un intermediaries ko khatam kar diya gaya. Un physical entities ko intermediaries kehte hain aur phir tarah tarah ki nayi intermediaries introduce kar li jo ki aapke customers tak pahunchne mein aapko help kar rahi hain. Wo sari intermediaries hain aapki technology based intermediaries, aapke internet service providers and companies like that jo ki aapko help kar rahi hain intermediaries ko lekar aane mein. So ye kya hai aapke paas re-intermediation ka concept. So direct distribution has also been possible aur aapki strategy mein direct distribution can be one part or direct marketing can be another part. To aapke paas kya hai ki aap directly logon tak kaise pahunchoge, uski kaisi strategies hain, that is your top level commitment or enterprise level strategy or business model ka hissa. Then you have number 3 pe portals. कुछ वेबसाइट्स को पोर्टल्स भी कहा जाता है और वो पोर्टल्स वेबसाइट्स वो हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर एंट्री का जरिया बनती रही हैं लोगों के लिए. लेट्स से AOL अमेरिका ऑनलाइन या याहू, ये वो दो इनिशियल वेबसाइट्स हैं जिन्होंने एक तो सर्च की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की लेकिन उसके साथ साथ अपने पास और सर्विसेज भी ऑफर की जिसमें लिस्टिंग्स मौजूद थी. मुख्तलिफ सर्विसेज की लिस्ट में से आप डायरेक्ट हो जाते थे कि जी ओके अगर आपने गेम्स खेलनी है तो आप याहू पर जाइए और गेम्स के सेक्शन में जाइए और ऑनलाइन गेम्स आप एक्सेस कर सकते हैं, या आपने न्यूज लेनी है तो आप AOL के न्यूज सेक्शंस में जा सकते थे. सो ये सारे जो हैं ये भी एक एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी है. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक पोर्टल रन कर सकते हैं जिसके ऊपर आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम तो जो हो रहा है वो भी होगा और उसके साथ आप लिंक कर देंगे मुख्तलिफ डायरेक्टरीज को, मुख्तलिफ सर्विसेज को जो कि एंट्री पॉइंट देंगी उनको आगे जाके इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का. नंबर 4 सोशल नेटवर्किंग, हम पहले जिक्र कर चुके हैं यूजिंग सोशल मीडिया, यूजिंग फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, मुख्तलिफ और डिस्कशन ग्रुप्स. ये भी एंटरप्राइज लेवल स्ट्रैटेजी है कि आपने अपने लोगों के साथ कैसे इंगेज रहना है. मैंने पहले भी एग्जांपल्स में डिस्कस किया कि हमारे पाकिस्तान के भी कई टॉप ब्रांड्स हैव रियलाइज दिस एंड दे आर रनिंग देयर फेसबुक पेजेस, दे आर रनिंग देयर ट्विटर पेजेस और वहां पर बहुत लोग इंगेज हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं, लोग उनका हिस्सा बनते हैं. सोशल नेटवर्किंग is another enterprise level business model. हमारे पास इसी तरह से ऑनलाइन ब्रोकर्स भी मौजूद होते हैं. ऑनलाइन ब्रोकर्स जो हैं वो विदाउट रिप्रेजेंटिंग द बायर्स और द सेलर्स, दे वर्क एज एन इंटरमीडियरी. सो दे ऑफर सर्विसेज और उन ऑफर सर्विसेज में से एक कमीशन जो है वो ले सकते हैं या बना सकते हैं. सो ब्रोकर्स जो हैं वो ऑनलाइन ब्रोकर्स तो 3 तरह के हो सकते हैं. हमारे पास ऑनलाइन एक्सचेंजेस का काम होता है जिसमें जो आपका एक्सचेंज की सर्विस ऑफर कर रहा है दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द बायर और द सेलर बट दे आर लेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज हैपन थ्रू देयर प्लेटफॉर्म. इसी तरह से जो ऑनलाइन ऑक्शंस पॉपुलरली यूज की जा सकती हैं जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ईबेलेट से या OLX फॉर एग्जाम्पल, सो वो भी क्या है ऑनलाइन ब्रोकर्स की एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको
कमीशन भी ले सकती हैं या अपने थ्रू अदर एडवर्टाइजिंग बेस्ड बिजनेस मॉडल्स रन कर रही होती हैं, पैसे अपने बना रही होती हैं, बट दीज आर टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज जो कि ऑनलाइन रन हो रही हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। इसके अलावा बी टू बी एक्सचेंजेस भी पॉसिबल हैं जो कि ऑनलाइन ब्रोकर्स की ही अंडर में आते हैं, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंजेस का काम किया जा सकता है। ऑनलाइन एजेंट्स में सेलिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। सेलिंग एजेंट्स का काम है आपके पास जो सेल साइड है उसको रिप्रेजेंट करना, और सेलिंग एजेंट्स एग्जांपल्स हो सकती है हमारे पास बी टू बी एक्सचेंजेस के केस के अंदर भी, जहां पर दो बिजनेसेस को फैसिलिटेट किया जा रहा है। इन बी टू सी केस हमारे पास सेलिंग एजेंट्स की एग्जांपल एफिलिएट प्रोग्राम्स की केसेस में हो सकती हैं, जहां पर एक जगह से दूसरी जगह कस्टमर को डायरेक्ट किया जाता है कि जी देयर इज समथिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू, सो दैट इज योर ऑनलाइन सेलिंग एजेंट। मैन्युफैक्चरर्स एजेंट्स भी इसी तरह से बनाए जा सकते हैं, जो कि जनरली मैन्युफैक्चरर एजेंट्स वो हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करती हैं टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। सो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल travelocity.com द ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, जहां पर मुख्तलिफ और ट्रैवल एजेंट्स जो हैं या ट्रैवल कंपनीज अपनी सेल्स कर सकती हैं या अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करा सकती हैं और वहां से उनकी सेल्स हो सकती हैं। देन वी हैव आवर परचेज एजेंट्स एज वेल, जो कि बायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रेडिशनल मार्केट में ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास तरह तरह के शॉपिंग एजेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, एड करते हैं अपनी किसी ट्रांजैक्शन को रन करने के लिए, हमारे पास वर्चुअल वर्ल्ड में इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे bizrate.com या जो हमारे पास रिवर्स ऑक्शन का कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे पास परचेज एजेंट्स के अंदर आ जाता है। रिवर्स ऑक्शन से मेरी मुराद ये है कि एक ऑक्शन जो कि फॉरवर्ड ऑक्शन है वो तो ये है कि जी आई पर्टिकुलर पर्सन वॉन्ट्स टू सेल अ प्रोडक्ट, और लोग उसके ऊपर बिड करते हैं और हाइस्ट बिड जो है वो परचेज कर लेती है प्रोडक्ट को। लेकिन जो परचेजिंग एजेंट है उसके अंदर में इसी काम को ऑपोजिट तरीके से किया जाता है रिवर्स ऑक्शन के केस में। सो ये थे तो डिफरेंट एंटरप्राइज लेवल ई बिजनेस मॉडल्स। हमने तीन चार तरह के बिजनेस मॉडल्स की एग्जांपल्स देखी है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ ई बिजनेस, जिसमें से बॉटम ऑफ द पिरामिड वर एक्टिविटी बेस्ड मॉडल्स, सेकेंड लेवल वर बिजनेस प्रोसेस बेस्ड, थर्ड वर एंटरप्राइज लेवल एंड द फोर्थ वन आर प्योर प्ले बिजनेस मॉडल्स। जो प्योर प्लेस हैं दे आर द बिजनेसेस दैट बिगन ऑन द इंटरनेट, आई हैव रिपीटेड इट सेवरल टाइम्स बिफोर एज वेल, एंड दे रिप्रेजेंट द फाइनल लेवल ऑफ द पिरामिड। दे फेस significant challenges because they're competing with new brands, they have to take the customers away from established businesses, and some of these pure plays have redefined the industries as well, just like eBay or Twitter or Yahoo. So once the strategies have been devised or humne business models define kar liye ki jis tarah se hamari organization run karegi aur kis level ke upar commitment hai by the organization towards technology implementation, uske baad hame obviously us strategy ko jo ki ek means to an end hai अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी होगी। सो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स का भी एक बहुत ज्यादा रोल है। ऑब्वियसली एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू नो वेदर द कंपनी हैज अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव्स, और उनकी जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी वो वाकई कामयाब हो रही है या नहीं हो रही है। सो इसके लिए फिर आपके पास परफॉर्मेंस मेट्रिक्स का रोल आता है, और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स जो हैं वो आपके इन्फॉर्म करते हैं स्ट्रैटेजी को। परफॉर्मेंस मेट्रिक्स आर ऑल्सो नोन एज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एंड दे आर स्पेसिफिक मेजर्स डिजाइंड टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। हमारे पास परफॉर्मेंस मेट्रिक्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं मेजरेबल
आउटकम्स, मेजरेबल आउटकम्स इन द फॉर्म फॉर एग्जाम्पल, जो हम अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल डिस्कस भी कर रहे थे कि इफ यू हैव अ गोल विच सेज 10% इंक्रीज इन सेल्स वुड बी देयर इन द नेक्स्ट ईयर और उसमें 30% आपकी ऑनलाइन सेल्स होगी, सो यू विल हैव टू पीरियडिकली चेक कि वाकई ही हमारा ये वाला काम हो भी रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रही है और किस रेट पे इंक्रीज हो रही है इन डिफरेंट क्वार्टर्स और डिफरेंट मंथ्स, इन वुड इट गो ऑन एट द सेम रेट टू अचीव आवर गोल नेक्स्ट ईयर. और देन इवेंचुअली आपको ये भी करना चाहिए होगा कि आपके जो 30% सेल्स का टारगेट है वो ऑनलाइन मीडिया के ऊपर और 70% सेल्स इंक्रीज आउट ऑफ दोज 10% ऑफलाइन मीडिया के लिए है. सो ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडिया का जो डेटा कलेक्ट हो रहा है अबाउट द सेल्स, उसको भी इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी एट सम पॉइंट इन टाइम. सो हमारे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे इन दिस सिचुएशन, वो हमारे पास क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, जो ताकि जो भी इम्प्लॉयज और जो भी मैनेजर्स इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें कि उनकी परफॉर्मेंस या उनके काम करने के जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स द फाइनल प्लान्स. सो आपके जो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हैं वो सबसे पहले तो दे शुड बी प्रोवाइडिंग मेजरेबल आउटकम्स, उनको मेजर किया जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेबसाइट सेल्स को इंक्रीज करने की बात की थी, सो आपके पास जो एड्स वहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ, वहां से आपकी कितनी ट्रैफिक जनरेट हुई आपकी वेबसाइट की तरफ, दैट कुड बी अ मेजरेबल आउटकम. देन your performance metrics must be easy to understand and use as well. आपके जो employees हैं उनके पास accessible होना चाहिए कि वो इन KPIs को actually perform कर सकें, because it would be difficult to look through all the data that is available about the examples jisme humne abhi baat ki hai sales increase ki. So usme kaun sa data, kaun si cheeze aisi hain jo ke pick karke hamara performance measurement ke andar help kar sakti hai, ye understand karna bhi zaruri hai. Phir aapke jo key performance indicators hain ya measures hain ya metrics hain, wo actionable bhi होने चाहिए. बेंचमार्किंग कंपनीज यूज करती हैं लास्ट ईयर के जो रिकॉर्ड्स हैं, लास्ट ईयर के वेबसाइट के यूसेज पैटर्न्स जो हैं, लास्ट ईयर के मोबाइल के ऊपर प्रमोशंस जो आई हैं उनके रिस्पांस रेट्स जो हैं वो देखकर अपने लिए कोई एक टारगेट सेट कर सकती हैं कि जी लास्ट ईयर इतना हुआ था, अब इतना हो सकता है हमारे पास अगर हम और कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं. सो आपके पास जो एक्शनेबल परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हैं उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड देन इट शुड बी मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज टू मेक डिसीजंस दैट लीड टू डिजायर्ड आउटकम्स. जो आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं या मेट्रिक्स हैं की परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, वो आपको हेल्प कर सकें, एम्प्लॉइज को हेल्प कर सकें कि वो डिसीजन ले सकें डिजायर्ड आउटकम्स के हवाले से. हमारे पास परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में ही वेब एनालिटिक्स कंट्रोल आ जाता है, जो कि एक ई मार्केटिंग टर्म है फॉर द स्टडी ऑफ यूजर बिहेवियर ऑन वेब पेजेस. यूजर्स जब आपके वेब पेजेस के ऊपर आते हैं तो उनकी एक्टिविटीज मुख्तलिफ तरीकों से मेजर की जाती है. और वो तरीके क्या हैं? दे यूज क्लिक थ्रूज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, विच मीन्स कि आपके एडवर्ट्स अगर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर डिस्प्ले हुए हैं या गूगल पर डिस्प्ले हुए हैं, तो वहां से कितने लोग क्लिक कर करके आपके पेज तक पहुंचे हैं, आपका पेज कितनी दफा व्यू हुआ है, दैट कैन बी अनदर मेजर जो आपकी परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर सकता है, नंबर ऑफ कमेंट्स दैट हैव बीन पोस्टेड ऑन योर ब्लॉग, लोगों ने जो आके आपके साथ डिस्कशन की या कोई फीडबैक दी वो कितने हैं, ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, आपके फेसबुक पेज के ऊपर कितने फैंस मौजूद हैं, वो भी एक वेब एनालिटिक्स का हिस्सा है, आपके कन्वर्जन्स टू सेल्स, लोगों ने आके एड को व्यू तो कर लिया, विजिट भी कर लिया, इन्फॉर्मेशन भी ले ली, क्या आपकी वेबसाइट से कोई परचेज भी हुई, अगर तो आपके शॉपिंग बेस्ड वेबसाइट है, सो सेल्स में कितने लोग कन्वर्ट हुए आफ्टर व्यूइंग योर एडवर्टाइजमेंट्स, that is also the role of web analytics. आपका जो web analytics software है, it helps companies analyze the data on server logs for marketing purposes. उसको देखते हुए past consumer behavior आपको नजर आ सकता है, लोगों का web behavior नजर आ सकता है using this software, और आप उसकी base के ऊपर अपनी next marketing activities plan कर सकते हैं. User का data मुख्तलिफ तरीकों से collect किया जा सकता है, जो कि वेब एनालिटिक्स का हिस्सा है, और वो एक तो आपके वेबसाइट के सर्वर लॉग्स होते हैं जो कि आप अपने आईटी डिपार्टमेंट के लोगों से या आईटी टीम के साथ कनेक्ट करके उनको कह सकते
सकते हैं कि जी आप हमें रिपोर्ट्स भेज दिया करें मे बी आफ्टर एवरी वीक और आफ्टर एवरी मंथ अबाउट आवर यूजेज पैटर्न्स ऑन द वेबसाइट्स, और हम उसकी बेस के ऊपर फिर आपको आगे सजेस्ट करते रहेंगे. सो दिस इज, और मे बी जो वेबसाइट सर्वर लॉग्स हैं वो आपके जो डेटाबेस से रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं उसकी फॉर्म में आपको मिल सकते हैं. सो आपके जो वेबसाइट सर्वर लॉग्स हैं वो आपका एक डेटा कलेक्शन का तरीका एकार है. देन देयर आर सम फाइल्स विच आर नोन एज कुकीज, कुकी फाइल्स. आपने ई कॉमर्स का कोर्स या कंप्यूटिंग का कोर्स पढ़ा होगा इससे पहले. कुकी फाइल्स आर स्मॉल टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स जो कि यूजर्स के कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर की जाती हैं, और इसके अंदर यूजर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, और कंपनीज फिर अपने पास इस यूजर इन्फॉर्मेशन को टाइम टू टाइम कलेक्ट करती चली जाती हैं, जिसमें उनके पास यूसेज पैटर्न्स हो सकते हैं मुख्तलिफ तरह के. फॉर एग्जाम्पल, जब आपने अगर अमेजोन की साइट के ऊपर कभी रजिस्टर किया हो और फिर दोबारा आप कुछ अरसे बाद व्यू करें तो वो आपको ग्रीट करते हैं विद योर नेम. अब वो जो आपका नाम है उन्हें कैसे पता कि वहां पर प्लेस करना है या आप कौन हैं. सो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कुकी फाइल में आपके कंप्यूटर पर स्टोर की हुई होती है, और वहां से वो आपका यूसेज पैटर्न ले लेते हैं, और आपका जो सेशन स्टार्ट होता है वो फिर उससे आगे कंटिन्यू चल रहा होता है. देन वी हैव अनदर टाइप विच आर नोन एज पेज टैग्स. पेज टैग्स होते हैं स्मॉल पिक्सल्स जो कि किसी एक वेबसाइट के ऊपर हाईलाइटेड फॉर्म में रख दिए जाते हैं. पिक्सल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट. एक छोटा सा जो डॉट आपकी स्क्रीन पे लाइट डॉट नजर आता है, दैट इज वन पिक्सल. और आपके पेजेस के ऊपर अगर पिक्सल्स लगा दिए जाते हैं विच आर इनविजिबल टू द यूजर्स, तो वो एक्टिवेट कर रहे होते हैं आपका एक स्पेशल स्क्रिप्ट को जो कि यूजर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर आप तक पहुंचा दी जाती है. सो आपके पास जो वेब एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करता है एनालाइज करने में जो डेटा कलेक्ट हो रहा है मुख्तलिफ तरीकों से उसको, और उस यूसेज पैटर्न के हिसाब से आपके पास कस्टमर्स की इंसाइट्स आ जाती हैं, यूजर्स के बिहेवियर्स आ सकते हैं, और उससे आप अपने पास नई स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं. आपका जो ऑनलाइन मेजरमेंट टूल है या वेब एनालिटिक्स जो इंफॉर्मेशन है, आपने उन को अगर हम देखें कि पिछले कुछ ट्रेंड्स के तौर पे, सो आपके जो ऑनलाइन मेजरमेंट टूल्स होते हैं, मार्केटिंग मेजरमेंट टूल्स, वो मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करते हैं, सच एज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द चैनल्स थ्रू विच कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स इज हैपनिंग इन वन व्यू. मुख्तलिफ टच पॉइंट्स के थ्रू जिन कस्टमर्स को कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, वेदर इट इज़ ईमेल, फोन, वेबसाइट, उसके साथ कस्टमर बिहेवियर कैसे एसोसिएट हो रहा है, ऑफलाइन कस्टमर बिहेवियर का है, मल्टीपल विजिट्स आपकी वेबसाइट पे अगर लोग कर रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर्स के बारे में, ये आईपीज की बेस पे स्टोर की जाती है आपकी कुकी फाइल्स में भी और आपके मुख्तलिफ जो टैग्स हैं उसकी फॉर्म में भी. और आईपी एड्रेसेस आर यूनिक एड्रेसेस जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यूजर्स को, एंड विद द आईपी एड्रेस पूल कंपनीज कैन आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर यूजर्स लेट्स से जापान से आए हैं, और ये पर्टिकुलर यूजर्स जो हैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान में एक्सेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी आगे फर्दर रीजन्स में आपके जो आईपी एड्रेसेस हैं वो एक पूल्स की फॉर्म में होते हैं, और कंट्रीज के पूल्स एसोसिएटेड होते हैं आईपी एड्रेसेस के. सो वहां से वो इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड की जा सकती है. देन यू हैव जो मार्केटिंग मैनेजमेंट टूल्स हैं वो और क्या चीजें यूज करते हैं. दे यूज द वैल्यू ऑफ कैंपेन इन्फ्लुएंस और इंटरेक्शन, उसका कितना रहा, एडवर्टाइजमेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है, मीनिंग के लोगों ने कितनी दफा वो एड को व्यू किया है, कितनी दफा उस एड पे क्लिक किया है. माइंड यू कि ये इन्फॉर्मेशन यहां पर स्टोर करना बहुत आसान है यूजिंग योर ऑनलाइन मीडिया, यूजिंग योर मोबाइल मीडिया, लेकिन अगर यही कोई एड बाहर डिस्प्ले कर दिया जाए ऑफलाइन मीडिया में, तो हमारे पास बहुत कम इस तरह का डेटा मौजूद होता है जिसमें हम कहें कि जी हमने एक बिलबोर्ड किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लगाया एंड दिस इज द नंबर ऑफ यूजर्स हु व्यूड दैट बिलबोर्ड. ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपके पास जब वेबसाइट पे बैनर एड्स लगाए जाते हैं तो यू कैन गेट अ रफ आइडिया और अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन आइडिया कि कितने लोगों ने
उसको व्यू किया या कितने लोगों ने उसको क्लिक किया, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है. आपके पास कस्टमर बिहेवियर जो ऑनलाइन है, पर विजिट कितने वेबसाइट्स के पेजेस को विजिट किया है, आपके पेजेस को विजिट किया है, कितनी देर कस्टमर्स का सेशंस लास्ट किया है, और लोगों को इंडिविजुअल जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं वो कैसे डायरेक्ट सेल्स की फॉर्म में, कैसे लोग मार्केटिंग की फॉर्म में कैसे लोगों को अप्रोच किया गया, ये सारी चीजें आपके मार्केटिंग मेजरमेंट टूल्स में यूज की जा सकती हैं. जब हम परफॉर्मेंस मेट्रिक्स की बात करते हैं या स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो स्ट्रैटेजी के हवाले से आपने बैलेंस्ड स्कोर कार्ड का जरूर सुना होगा या पढ़ा भी होगा. आपका पास जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो हेल्प करता है एक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करने में टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग मेट्रिक्स. सो जो आपके डिफरेंट मेट्रिक्स हैं they need to be understood in the form of a framework. और आपका जो बैलेंस स्कोर कार्ड का एक मैकेनिज्म है जो कि 1990s में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो आपको चार perspectives देता है कस्टमर्स के हवाले से, आपके इंटरनल perspectives के हवाले से, लर्निंग एंड ग्रोथ के हवाले से और फाइनेंस के हवाले से. और इन perspectives के अगेंस्ट आप अपने गोल्स और फिर उनके मेजरमेंट के तरीके लिस्ट कर सकते हैं और फिर उनको रिव्यू कर सकते हैं विद टाइम. सो जो आपका बैलेंस स्कोर कार्ड का तरीका है, जो बुक में आपको एक टेबल की फॉर्म में भी नजर आएगा कि यू हैव फोर सेक्शंस, कस्टमर, इंटरनल, फाइनेंशियल एंड लर्निंग एंड ग्रोथ, ये चारों के चारे आप बेशक एक टेबल की फॉर्म में लिख लीजिए और टेबल के सेक्शंस बना लीजिए और उसमें गोल्स एंड मेजर्स के हिसाब से उनको एनालाइज कर सकते हैं, उस फ्रेमवर्क को यूटिलाइज कर सकते हैं. जो कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव है ऑन द बैलेंस स्कोर कार्ड, इट इंक्लूड्स वेज टू मेजर गोल्स सच एज कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन, इंगेजमेंट एंड सैटिस्फैक्शन एक्सेट्रा. Loyalty and satisfaction measures may include percentage of visitors who return to a site, time between visits and shopping cart abandonment, which means कि आपके पास जो users आपकी website के ऊपर आ रहे हैं उसमें से कितने लोग जो हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर वापस आते हैं, उनके विजिट्स की ड्यूरेशन कितनी है, उनके शॉपिंग कार्ट में उन्होंने कोई चीजें ऐड की और फिर परचेज नहीं की, उसको अबैंडन कर दिया. आपके कस्टमर्स की और इंगेजमेंट जो है, जिसमें नंबर ऑफ कमेंट्स एंड फोटोज एंड वीडियोस दैट हैव बीन पोस्टेड, दैट कैन बी एनालाइज. सो आपका जो कस्टमर पर्सपेक्टिव है उसके गोल्स आप लिख सकते हैं और उसके पॉसिबल मेजर्स भी लिख सकते हैं. आपके पास बुक में 2.7 एग्जिबिट जो है वो लिस्ट करता है सम कस्टमर गोल्स एंड मेजर्स, बुक ऑफ ई मार्केटिंग जो कि जूडी स्ट्रॉस की लिखी हुई है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ दोज गोल्स विच आर मैंशनड इन द बुक इंक्लूड, लेट्स से एक गोल है आपका जिसमें आप कहते हैं कि जी वी विल बिल्ड अवेयरनेस ऑफ आवर वेबसाइट अमंग द कस्टमर्स. अब इस गोल को मेजर करने के लिए तीन चार मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जो आपके परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के तौर के ऊपर बनाए जा सकते हैं और आपके एम्प्लॉइज फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं. आप एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं अवेयरनेस ऑफ सर्विस के बारे में जो कि आप वेबसाइट ऑफर कर रहे हैं, एक छोटा सा सर्वे अपने पास कर लीजिए. या फिर आप नंबर ऑफ विजिटर्स टू द साइट जो इंक्रीज हो रहे हैं, यूनिक विजिट्स, और इससे आपको पता चल जाए कि आपके पास कितने नए लोग आके विजिट कर रहे हैं, दैट कैन बी मेजर्ड एंड इट कैन बी अ गुड गोल फॉर यू एज वेल स्ट्रैटेजी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. देन आपके पास और तरह के जो examples include की जा सकती हैं, they can be high customer satisfaction with the website. You can do a small survey again here as well. आपके जो इतने लोग registered हैं website के ऊपर उनको आप email कर सकते हैं अपना survey. या आपने देखा होगा कुछ websites के ऊपर जब आप उनको view करते हैं तो there is a small pop-up window that comes up and it asks you to fill in a survey. Response rates online surveys के usually थोड़े डाउटफुल ही होते हैं, या समटाइम्स पीपल आर नॉट इनकरेज्ड बाय दैट पॉपअप विंडो एंड वो उसको क्लोज कर रहे होते हैं. बट देयर आर सर्टेन अदर वेज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू पार्टिसिपेट इन दैट सर्वे. एट टाइम्स कंपनीज इंट्रोड्यूस अ कॉम्पिटिशन कि जी दोज हु वुड पार्टिसिपेट इन सर्वे उनका एक हम लकी ड्रॉ करेंगे प्राइजेस, तो लोगों को एक ट्रैफिक जनरेट हो जाती है एंड दे गिव यू फीडबैक ऑन योर वेबसाइट. कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो हाई है या लो है वो आप एक परफॉर्मेंस मेट्रिक सेट कर सकते हैं, एक गोल सेट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप मेजरेबल
आउटकम्स निकाल सकते हैं. देन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑनलाइन सेल्स फ्रॉम करेंट कस्टमर्स, आपके जो कस्टमर्स आपके ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर अगर आ रहे हैं तो वो कितना रेगुलरली आते हैं, हर कस्टमर आपसे रेगुलरली कितनी परचेजेस करता है, और वो इज इट अ वंस इन द ब्लू मन कस्टमर, जिसको कहीं और कहीं से चीज़ नहीं मिली तो उसने आके आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर कर दिया. इस किस्म की चीज़ें भी आपके पास पॉसिबल मेजर की जा सकती हैं. देन यू कैन ऑल्सो सेट अ गोल फॉर आइडेंटिफाइंग योर अप्रोप्रिएट टारगेट मार्केट्स. ठीक है, तो इसके लिए भी आप अपना जो प्रीवियस डेटा है कस्टमर्स का, उसको डेटा माइन कर सकते हैं. डेटा माइनिंग इज अ टेक्निक जिसमें पुराने पैटर्न्स ऑफ डेटा जितना आपका पास स्टोर्ड है उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स रन किए जाते हैं इनसाइट लेने के लिए, और वो इनसाइट फिर आपको हेल्प कर सकती है टू आइडेंटिफाई अ सर्टेन क्राइटेरिया जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन यू कैन ऑल्सो डू अनदर काइंड ऑफ अ गोल फॉर यू कि आपके पास इंक्रीज विजिट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफर्स, स्वीपस्टेक्स और ऑफर्स दैट यू आर गिविंग ऑन योर वेबसाइट्स, और आपके कस्टमर्स जो हैं वो उस ऑफर को लेने के लिए या उसकी अट्रैक्शन की वजह से आपकी वेबसाइट विजिट करना चाह रहे होते हैं, तो ये भी एक गोल है जिसको मेजर किया जा सकता है. नंबर ऑफ एफिलिएट्स इंक्रीज किए जा सकते हैं ऑन योर वेबसाइट, ये भी एक मेजरेबल गोल है, एक मेजरेबल टारगेट है. देन यू कैन ऑल्सो डू क्रॉस सेलिंग. क्रॉस सेलिंग क्या होती है? क्रॉस सेलिंग का मतलब ये है कि इफ अ कस्टमर हैज कम टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम आर वेबसाइट और फ्रॉम आर बिजनेस और फ्रॉम अस, तो उसमें से उस प्रोडक्ट को उसने अपने चेकआउट से पहले अपनी शॉपिंग कार्ट में डाला और आपने उसके साथ ही उसको दो तीन चीजें और ऑफर कर दी कि जी हमारे पास इस आपसे पहले जो कस्टमर्स आए थे उन्होंने अगर हमसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए खरीदा है तो उन्होंने साथ ही प्रोडक्ट बी भी खरीदा था, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट. सो वही चीज जो ऑफलाइन मीडिया में एक सेल्स असिस्टेंट करता है कि जी आपको एक चीज बेच रहा है और साथ ही कहता है कि जी सर और मैडम आप किसी और चीज में भी इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे, उसी किस्म की एक चीज जो है वो आप वेबसाइट्स के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप क्रॉस सेलिंग ऑफर्स भी दे सकते हैं. और क्रॉस सेलिंग की बेस पे और कितने कस्टमर्स ने आपसे कोई दूसरी चीज परचेज कर ली वो भी एक मेजरेबल आउटकम है. क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज को कैसे अच्छे से आपने बेनिफिट ले लिया, सो दैट कुड बी अनदर थिंग जो कि बैलेंस्ड स्कोर कार्ड में कस्टमर पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने के लिए गोल्स आप सेट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट उनके मेजरमेंट के तरीके लिख सकते हैं. एंड देन अमंग योर एम्प्लॉइज दे कैन आइडेंटिफाई कि जी कौन किस मेट्रिक के ऊपर काम कर रहा है और कौन किस मेट्रिक को यूज कर रहा है. बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर ही इंटरनल पर्सपेक्टिव्स का भी जिक्र हो जाता है. चार तरह के पर्सपेक्टिव्स की हम बात कर रहे थे. इंटरनल पर्सपेक्टिव का जो स्कोर कार्ड है वो इंक्लूड करता है टू वेज टू मेजर गोल्स रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज एंड मेजर्स फॉर द इंटायर सप्लाई चेन. आपके पास कितने लोग हैं आपकी ये सर्विस यूज कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो कंप्लेंट्स भेज रहे हैं, कितने लोग सोशल मीडिया में कंप्लेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ टाइम आप कितना ले रहे हैं कस्टमर्स की ईमेल जो है उनकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग जो हैं वो पर डे विजिट कर रहे होते हैं. इसके भी कुछ एग्जांपल गोल्स हम देख लेते हैं. आपका एक गोल ये हो सकता है कि जी वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन सर्विस. अब इस गोल को मेजर करने के क्या तरीके होंगे, आप एक टारगेट मार्केट का सिंपली सर्वे कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि आपके कितने कस्टमर्स इस बेटर सर्विसेज को यूज करना शुरू कर दिया है. आपने ऑनलाइन पहले तरीका कार नहीं रखा हुआ था कंप्लेंट्स को फॉरवर्ड करने का, अब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कंप्लेंट्स का एक फॉर्म बना लिया है. नंबर ऑफ यूजर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट फॉर्म इज इंक्रीज्ड, सो दैट कैन बिकम अ मेजर जो बता रहा है कि जी आपकी इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो बाय इन कर रहे हैं लोग. इसी तरह से आपके जो एग्जाम्पल गोल्स हो सकते हैं, हाई प्रोडक्ट क्वालिटी कैन बी अ गोल. आपके पास जो वेब सर्वर का साइज है और उसके अंदर जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं उसको मेजर किया जा सकता है. आपका गोल वो सेट हो सकता है, वो मेजर कैसे किया जाएगा कि आपका सर्वर कितनी देर अप टाइम रहता है, कभी कोलैप्स तो नहीं कर जाता जब ट्रैफिक बढ़ जाती है. आपके पास बैकअप साइट्स आपके सर्वर की या वेबसाइट की कितनी मौजूद है, इन केस वन गोज डाउन द बैकअप स्टार्ट्स वर्क्स एंड इज अप एंड रनिंग. सो
इंटरनल प्रोस्पेक्टिव जो है आपके इंटरनल प्रोसेसेस से रिलेट कर सकते हैं. इन्वेंट्री लेवल्स को आप मेंटेन कर सकते हैं, इन्वेंट्री लेवल्स को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है. एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स एक वेयर हाउस के अंदर एक चीज पड़ी हुई है, दैट कैन बी मेजर्ड. इन्वेंट्री टर्न ओवर कैन बी मेजर्ड. सो ये चीजें जो है ये आपकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं गोल्स और मेजर्स के रेलिवेंट टू इंटरनल परस्पेक्टिव. बैलेंस स्कोर कार्ड का थर्ड पार्ट वॉज लर्निंग एंड ग्रोथ परस्पेक्टिव. लर्निंग एंड ग्रोथ परस्पेक्टिव इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेसेस. अब इसमें हम क्या चीजें देख सकते हैं, वी कैन सी द नंबर ऑफ new products and features, we can see the number of customer complaints and fixes, we can see conversion of online leads. And iski bhi agar hum kuch examples dekhna chahe apne learning and growth perspective ki, so hamare paas jo online service innovation hai, that can be a goal ki hum kitne naye tarike se logo ko bhej rahe hain apni services, aur uske possible measures ho sakte hain new services that have been offered to the market or to the people in a particular time frame or in a particular year. Percent of sales that have increased because of the new services that have been offered, ye measure kiya ja sakta hai, performance indicator ban sakta hai. So aapka goal ho sakta hai service innovation, aur fir usko measure karne ke tarike possible hai. Phir aapke continuous improvement in CRM system, that can be a goal, aur iske measure ke tarike karne ke kya hai ki aapki customer complaints jo hai unka number increase ho raha hai, decrease ho raha hai, ya number of improvements over time kya ho rahi hain, that can be done. High internet lead to sales conversion, log aapke paas per sale employees jo hain wo internet se kaise aa rahe hain, number of conversions from leads to sales kaise possible hai. Increased value in knowledge management system, that could be a measure, इसको भी वो किया जा सकता है measure, that can be a goal. जब हम बात कर रहे हैं learning and growth perspective की, basically the organization can learn from the activity that has been happening जो आपके e-business strategies में है. The last factor is financial perspectives, ways to measure financial goals such as sales, profits and return on investments, जो कि आपने investment की है अपने technological systems के ऊपर. इसको हम फिर measure करने के लिए मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं, जैसे कि sales growth का एक तरीका है, identify कि जी पिछले साल में कितनी sales हुई, इस साल में कितनी हुई, market share कितना increase हो गया या decrease हो गया, आपके जो average order values हैं, जो आपका normal order आता था, let's say पहले हम हर महीने एवरेज ऑर्डर साइज वॉज 2000 रुपीज, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 5000 रुपीज बाय कस्टमर्स, क्योंकि हमने और चीजें ऐड कर ली हैं अपनी प्रोडक्ट रेंज में, पीपल आर हैप्पी विद दैट. आपके जो इंडिविजुअल कस्टमर्स आपके पास आकर चीजें परचेज कर रहे हैं, उनसे आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये चीजें आराम से कैलकुलेट की जा सकती हैं, बिकॉज यू हैव योर डेटा बेस इज रेडी, यू हैव एवरीथिंग कनेक्टेड अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज कस्टमर्स इज अवेलेबल. तो फिर आप इसको आराम से एनालाइज भी कर सकते हैं और इसको अपने गोल के तौर पे भी सेट कर सकते हैं. सो हमारा जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, बेसिकली इसके जो चारों पर्सपेक्टिव्स हैं वो हमें इजीली हेल्प कर सकते हैं एक ई बिजनेस को भी अंडरस्टैंड करने में और उसको मेजर करने के लिए भी. यू कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ एनी बिजनेस इन पाकिस्तान, और हम देख सकते हैं कि जी बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो उस ई बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकता है कस्टमर परस्पेक्टिव में. फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेबसाइट सच एज रोजी और सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस, आप क्या कर सकते हैं कि आप कस्टमर परस्पेक्टिव को अपना एक आइटम लेकर और उसमें लॉयल्टी एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को एज गोल सेट कर सकते हैं और फिर उनके अगेंस्ट उसके मेजरमेंट के तरीके निकाल सकते हैं. इंटरनल पर्सपेक्टिव को एनालाइज करने के लिए आप उनकी वेबसाइट को देख सकते हैं और उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेबसाइट से रिलेटेड, या उनकी सप्लाई चेन को देख सकते हैं और उसकी इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन्वेंट्री लेवल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होती है, कई दफा चीजें आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं चली जाती, क्या अवेलेबल रहती हैं. देन लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव के अंदर एवरेज टाइम फ्रॉम कॉन्सेप्ट
टू स्टार्ट स्पीड टू मैच अराइवल्स वेबसाइट कैसे कैसे आप चेंजेस करते चले जा रहे हैं. देन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखते हैं कि जी अगर हम इतना स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे पास इससे कितने कस्टमर्स आ जाएंगे हमारे बिजनेस की तरफ, उनका रिटेंशन रेट क्या होगा, उनके प्रॉफिट से कितना पर कस्टमर कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स में देख सकते हैं. ये तो था जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रोल हमारे ई मार्केटिंग प्लान्स में और ई मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में. आज की समरी अगर लेक्चर की देखना चाहें क्विकली, तो हमने आज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जिक्र किया, हमने कुछ ई बिजनेस मॉडल्स को देखा और हमने फिर परफॉर्मेंस मेट्रिक्स का जिक्र किया कि वेब एनालिटिक्स के थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस ई बिजनेस की, ई मार्केटिंग की देख सकते हैं और हम फिर बैलेंस स्कोर कार्ड को यूज कर सकते हैं एज अ गुड वे जो कि 1990s में इंट्रोड्यूस हुआ था टू एनालाइज परफॉर्मेंस और हम गोल्स और अपने मेजर्स मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स के सेट कर सकते हैं. आई विल सी यू अगैन विद द नेक्स्ट लेक्चर, बट बिफोर आई गो वन मोर थिंग, आज के लिए आप विजिट कीजिए www.rosy.pk एंड राइट डाउन व्हाट यू थिंक दैट कंपनीज गोल्स आर फॉर इट्स वेबसाइट एंड देन मेक अ लिस्ट रिकमेंडिंग रेलेवेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द फोर पर्सपेक्टिव्स फॉर rosy.pk. एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपको अंडरस्टैंड करने में बेहतर हेल्प करेगी. आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.